जो याद दिलाएगा जिला जनपद को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यक्रम के माध्यम से। और आइए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए मैं सागर मुझे कहना चाहूंगी कि अपने प्यार भरे दो दिन से हम सभी मंदिर के बस यशस्वी योगेश्वरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम सभी सागर मंदिर करते हैं तो अपनी उद्भुत योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ब्रज प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू जी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ जी, माननीय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री धर्मनाथ सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अतुल गर्ग जी, माननीय विधायक चौधरी उदय भान सिंह जी, श्री विपिन वर्मा डेविड जी, श्री सत्यपाल सिंह राठौर जी, श्री बीरेंद्र सिंह वर्मा जी, श्री संजीव दिवाकर जी, श्री ममतेश साके जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री महादीपक सिंह साके जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी माननीय वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारी बारिश हुई और इस भारी बारिश में भी आप लोग पानी में खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबकी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। सम और विपरीत, सम और विषम परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाता है, यह एकता के आप सभी नागरिकों ने साबित किया है। मौका आता है, आंधी आती है और लोग उस आंधी में भाग खड़े होते हैं। मैं देख रहा था जब मैं इससे पूर्व के फरुखाबाद से कल यहां के लिए कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किया तो मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई थी और मूसलाधार बारिश के बाद एक बार तो लगा कि हम एटा में न जाकर के कासगंज में या अलीगढ़ में हमें वापस जाना पड़ेगा, लेकिन आप सब का भाव था। आज मैं यहां पर आपके बीच में आ पाया हूं,
मैं आप सबके इन भावों का सम्मान करते हुए आपके उत्साह के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाई बहनों, इस जनपद की अपनी एक विशिष्ट पहचान है और विशिष्ट पहचान के लिए अभी जब मैं यहां पर मंच पर आया तो यहां के एटा की जो पहचान है वह है घुंघरू और घंटे की। एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने इस पहचान को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज इस संबंध में हम लोग ठोस कार्यक्रम, ठोस योजना इसके लिए बनाएंगे भी। मैं जानता हूं आपके पास योग्य नेतृत्व है और योग्य नेतृत्व होने के नाते वह समय समय पर आपकी बातों को शासन तक पहुंचाता है और आज सौभाग्य से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, जिन्हें देश और दुनिया ने एक यशस्वी नेतृत्व के रूप में स्वीकारा है और उनके तेजस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर है। आप सबके आशीर्वाद से आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। भाइयों बहनों, अलीगढ़, एटा और इन आसपास के क्षेत्रों के बारे में मैं आपसे चुका हूं, मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही ऐसा यशस्वी नेतृत्व रहा है। हमारे आज के राजस्थान के राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय कल्याण सिंह जी की कर्म भूमि होने के नाते उनकी विरासत को आज के राजवीर सिंह राजू भैया संभाल रहे हैं। यहाँ के हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधिगण आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सब के लिए प्रसन्नता का अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि यहां पर आज कुछ विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आप सबको इंतजार होगा एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो और एका में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को प्रदेश सरकार ने और केंद्र की सरकार ने दोनों ने अपनी सहमति दी है। हम लोग शीघ्र ही यहां पर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए अलग से कार्यक्रम बनाने वाले हैं। एक बड़ा कार्यक्रम एका जनपद के लोगों को एक बेहतरीन तोहफा देने के लिए हम लोग यहां पर आने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर कुछ ही दूरी पर स्थित प्रमुख धाम सोरो उस स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए भी हम लोगों ने पहले से ही कार्य योजना बना करके उस पर कार्य करना प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर पिछले 15 वर्षों की जकड़न को तोड़ते हुए हम लोगों ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। आप याद करिए, जब 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए थे, उस समय उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारी सरकार इस देश के अंदर किसी के साथ जाति, मत या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये जातिवाद की राजनीति, एक परिवारवाद की राजनीति, ये समाज को विभाजन करने वाली राजनीति विकास की सबसे बड़ी दुश्मन है, भारत की एकता अखंडता की सबसे बड़ी दुश्मन है। और इसके खिलाफ आवाज 2013-14 में देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उठाई थी। आज उसी कड़ी को आप सबको जोड़ते हुए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि आपने 4 वर्ष पहले मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया, आज उसका परिणाम है कि इस देश के अंदर गरीबों की आवाज बन रहे हैं। इस देश के
शहर हो या गांव, हर गरीब को आवास दिए जा रहे हैं। निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। इस देश के अंदर उस हर गरीब को जिसके पास रसोई गैस के कनेक्शन नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए अलग योजनाएं उनके सम्मान और स्वावलंबन के लिए बनती जा रही है, बन रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले आपके इस जनपद में हम लोग 53,000 से अधिक किसानों के, लघु और सीमांत किसानों के 1,00,000 तक के ऋण माफ करने का कार्य किया था। और मैं आज के अवसर पर उन सभी किसानों को एक बार पुनः आह्वान करना चाहता हूं। कल ही सांधापुर में आपने प्रधानमंत्री जी की रैली होगी, प्रधानमंत्री जी ने उस रैली में 14 ऐसे फसलों का जो किसानों से सीधी जुड़ी हुई है, उन फसलों को भी उन्होंने जो लागत मूल्य से 1.5 गुना से अधिक दाम देने का निर्णय किया है। और कल से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अंदर शाहजहांपुर में भारी तैनात एकत्र होकर उनका अभिनंदन किया था, उनका स्वागत किया था। और मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास पर जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, अगर आप देखेंगे 2016-17 में प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 1 वर्ष में 63,000 बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 1 वर्ष में 8,85,000 गरीबों का आवास बनाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। हम लोग 76,00,000 उन गरीबों को जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था उनको शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य किया। जिन गरीबों के पास कभी भी विद्युत का कनेक्शन उन्हें नहीं मिल पाता था क्योंकि उनके पास पैसा खर्च करने के लिए कहीं भी पैसा नहीं था, आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ऐसे 40,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य भी किया है। प्रदेश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। पहले आपके यहां बिजली मिलती नहीं थी, आज हम भरपूर विद्युत की आपूर्ति आपके जनपद में भी कर रहे हैं और प्रदेश के सभी 70 जनपदों में विद्युत आपूर्ति में हो रहे भेदभाव को हमारी सरकार ने पूरी तरह समाप्त करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, विकास की सोच होनी चाहिए। विकास की सोच हम लोग जब परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद और सुशासन और विकास के मुद्दे पर जब सोचेंगे तब ये सोच साकार होगी, तब इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के सपनों को साकार करने की स्थिति आएगी। उसको साकार करने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए ही आज मैं आपके बेटा जनपद में आया हूं। आप सबसे कहने के लिए कि आप सब निश्चिंत रहिए, आप उत्तर प्रदेश देश का निवेश के मामले में सबसे बड़ा राज्य बनने जा रहा है। आज केवल आबादी ही हमारी सबसे बड़ी नहीं होगी, बल्कि आबादी अगर हमारी सबसे बड़ी है तो हम सबसे ज्यादा निवेश भी प्रदेश के अंदर करेंगे, सबसे अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कार्य भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार करेगी। और इसमें बिना भेदभाव के हम प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का कार्य करेंगे। गरीबों के हकों पर किसी को डकैती डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को समान विकास की योजनाओं में भागीदार बना करके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन विकास के लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए। सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार कोई भेदभाव नहीं करने जा रही है। प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता की सुरक्षा करना प्रदेश की सरकार का दायित्व है और 22 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि अपराधियों के अंदर भय पैदा हो, कानून का राज हो और कानून का राज स्थापित करने के लिए किसी प्रकार के कानून
उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारी सरकार उस प्रकार के कड़े से कड़े उपाय करके प्रदेश की 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करके प्रदेश के अंदर सुरक्षा का, व्यवसाय का और निवेश करने के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आपको इन विकास योजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर मैं ढेर सारा बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होने पर भी मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत शीघ्र आकर के हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखने के लिए यहाँ पर आएंगे। आपके इस क्षेत्र के विकास के अन्य ढेर सारी योजनाओं को लेकर यहाँ पर आएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।